एक स्कीम बताऊं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को झट से दबा दो, सबसे पहले वीडियोस तुम्ही को मिलेंगी, बाद में बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम वार्ता करने जा रहे हैं साइबर क्राइम पर। क्या है साइबर अपराध, किस प्रकार साइबर अपराधी नए नए तरकीब खोज करके आपके बैंक से पैसे निकाल लेंगे, आपका अकाउंट हैक कर लेंगे। अगर 2 मिनट के लिए भी मोबाइल आपकी चली गई किसी के हाथ में, आप जान भी नहीं पाएंगे, सारे डेटा, सारे इसके सब कुछ चला जाएगा, आपका अकाउंट नंबर से लेकर के जो भी गोपनीय सूचनाएं हैं सब उसके हाथ में चली जाएंगे। आज हम हैं प्रदुम्न के साथ, प्रदुम्न इसी की पढ़ाई कर रहे हैं, आज इनसे बहुत कुछ हमारी बातचीत हुई है, बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है। भैया, हमने तय किया है कि किसी अनजान के हाथ में अपनी मोबाइल नहीं देंगे, हालांकि कुछ ऐसा नहीं है, अभी तो हमारा यूट्यूब चैनल जाते जाते बचा है। एक ऐसे व्यक्ति जिसने रोग आकर के हमसे यूजर नेम पासवर्ड ले लिया था और हम ही को सीख दे रहा था, पहला सब्सक्राइबर मैं हूँ उसके चैनल का और हम ही को ज्ञान पढ़ा रहा था, ऐसे लोग भी हैं। चलिए हम उस विषय पर न जाते हुए प्रदुम्न से जानना चाहेंगे। प्रदुम्न, ये कौन सी पढ़ाई आप कर रहे हैं और ये साइबर फ्रॉड क्या है? जी, मैं अभी साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई कर रहा हूँ, उसमें एथिकल हैकिंग होता है, सिक्योरिटी एनालिसिस होता है, उसके बाद आगे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होता है। हाँ। जिसमें जो भी आपके साइबर अटैक्स वगैरह होते हैं उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन होती है, फॉरेंसिक होती है, पता किया जाता है, उसके क्लूज ढूंढे जाते हैं विक्टिम्स के, तो उसकी पढ़ाई चल रही है। एथिकल हैकिंग में हमें यह बताया जाता है कि कैसे भी किसी को हम किस डिफेंसिव पर्पज़ बताया जाता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी फ़ोन, कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सर्वर, उसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करें। इवन दो किसी एक सिंगल यूज़र भी है तो उसका जो भी बैंक का, UPI का जो भी ट्रांजेक्शन होता है, आजकल के दिन में अगर कोई आदमी से अगर 10 मिनट के लिए भी फ़ोन लिया जाता है तो उसकी आधी ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाती है एक तरीके की। पूरा आपका जितना कम्युनिकेशन आपका सारा डिजिटलाइज हो गया है, जो भी आपका मनी ट्रांसफरिंग हो रहा है, जो भी आपकी कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, जो भी आपका अभी आजकल तो स्काइप के थ्रू लाइव इंटरव्यू भी होते हैं, आप डायरेक्ट किसी जगह को घूमना चाहते हो तो डायरेक्ट अपने फ़ोन से वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो एक तरीके से जो रेवोल्यूशन है डिजिटलाइजेशन का, वो पूरे जोर शोर पे है और इंडिया एज अ डिजिटल कंट्री ग्रो कर रही है। तो ऐसे में साइबर फ्रॉड्स बढ़ते हैं क्योंकि लोग अवेयर नहीं होते हैं इसके बारे में, उनको कोई नई चीज़ देते हैं तो वो अभी सीखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो उसका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कार्डिंग करते हैं लोग, अब बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको पता नहीं होता कि ATM कार्ड्स वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, तो लोग फ़ोन पे कॉन्टैक्ट्स डिटेल निकाल के उनके पूरी ATM कार्ड की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, CVV नंबर निकालते हैं, जिसके थ्रू वो कार्डिंग करके पैसे निकाल लेते हैं। तो ऐसे करके दिन प्रतिदिन रोज़ करके साइबर क्राइम बढ़ते ही जाता है इंडिया में, और आने वाले आगे समय में इसकी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है एथिकल हैकर के लिए। एक फोर्ब्स की मैगजीन है, उसके हिसाब से आगे 20 मिलियन वैकेंसी आएगी एथिकल हैकिंग के लिए, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए। तो उसकी मेरी पूरी पढ़ाई चल रही है। और पढ़ाई आप पुणे में कर रहे हैं? जी, हम पुणे में इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए। अगर आप लोग वैसे सीखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑनलाइन मेथड्स भी हैं, जगह आप चलिए, हमारी मोबाइल हमारे पास है, ठीक है, 2 मिनट के लिए अगर आपके पास गई तो आप क्या करेंगे, इसमें से क्या निकालेंगे? इसमें से हम पूरा आपका रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं, आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितने भी सारे मैसेज हैं उसको पढ़ सकते हैं, अपने डाल भी सकते हैं कुछ, जी पूरा पैरेंटल कंट्रोल पूरा कर सकते हैं, किसी को मेल भी कर सकते हैं, इवन दो हम आपका कैमरा ऑन कर सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, आपकी माइक्रोफोन से आवाज़ सुन सकते हैं, अगर आप कभी किसी से कॉल पर बात करें तो उस कॉल की लाइव रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपकी लाइव लोकेशन हम कैप्चर कर सकते हैं कहाँ पे हैं, ये चेक कर सकते हैं कि आप किन लोगों को मैसेज करते हैं, और आजकल के मैसेज में बैंक के मैसेज भी आते हैं, UPI तक हम ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी अगर सोशल मीडिया का अकाउंट मेरे पास है तो हम उसका मिसयूज भी कोई कर सकता है आराम से, कोई एक कॉन्ट्रोवर्सियल पोस्ट डाल सकता है, तो ये सब फैक्टर बहुत डिपेंड करते हैं, और किसी का प्राइवेसी जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, प्राइवेसी की बात इन्होंने किया, एकांतता का अधिकार, निजता का अधिकार जो संविधान में वर्णित है, कई बार जो फ़ोन टेपिंग के मामले आते हैं तो उस पर कोर्ट संज्ञान लेता है, क्योंकि हमारा फ़ोन टेप नहीं किया जा सकता, ये हमारा एकांतता का अधिकार है। अगर पैटर्न हमने डाला है
तो इसे आप कैसे खोलेंगे, कोई है तरीका इसका? पैटर्न डाला है तो उसका फोन का रूट एक्सेस होता है। अच्छा, उसके थ्रू आपका फोन का पासवर्ड ब्रेक किया जा सकता है और पैटर्न तोड़ने। जैसे हमारी मोबाइल कुंभमेला में खो गई, हमने उसमें पैटर्न डाला था, तो जो चोर ले गया होगा उसका किस तरह से उपयोग किया होगा? वो तो एक तो क्या करता है, अगर उसको लाइक ट्रेस वगैरह नहीं होना, उससे बचना है तो डायरेक्ट फ़ोन को रूट सिस्टम से वो पूरा फॉर्मेट कर सकता है। उसके बाद अगर वो चाहे तो कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे टूल आते हैं जिसके थ्रू वो आपका पासवर्ड रिकवर कर लेता है। तो जैसे हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो सबसे सिक्योर होता है फ़ोन में आपका पिन लॉक, जो पैटर्न पिन होता है, जो अल्फा न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं और नंबर दोनों को मिला के बनते हैं, उनको बोलते हैं। जैसे कि अगर आपका फ़ोन है, आपने पैटर्न लॉक लगाया है, आप क्या करते हैं फ़ोन पे कोई भी ग्लास पे कुछ भी अगर कोई भी इमेज ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि वो इजिली आइडेंटिफाई हो जाता है। से आपने एल पैटर्न ड्रॉ किया तो कोई अगर फ़ोन आपका लेता है तो देख सकता है क्या पैटर्न है। या उसके बाद कुछ स्प्रे भी आते हैं, अगर उस पर स्प्रे करता है तो जो जो उस पर पैटर्न लगे हैं, फिंगरप्रिंट्स जो है, तो उससे पता चल जाता है। तो ये थोड़े वीक होते हैं। ऐसे में जैसे हमें क्या सुरक्षा एहतियात के तौर पर, कोई भी यूजर है तो उसे क्या सुरक्षा, जैसे यूट्यूबर है, सोशल साइट पर, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है और ट्विटर पर है, तो उसे क्या करना चाहिए, किस तरह की सावधानियां बरतनी होती हैं? जी, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहले तो एक जो पासवर्ड होता है वो हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए। पासवर्ड जैसे जो क्रैक होता है, ट्रेस होता है, तो उसमें ब्रूट फोर्स अटैक होता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि एक यूजर का जो पासवर्ड होता है उसको एक टूल होता है, उस टूल में उस पासवर्ड को कुछ भी पासवर्ड एंटर कर दिया जाता है और उस टूल को जब आप कोई रन करता है तो आपकी ईमेल आईडी पे कंटिन्यूस पासवर्ड चेंज कर करके ट्राई करते रहता है। तो जितने सारे नंबर्स होते हैं उसको ऐसे कंटिन्यूस ट्राई करते रहता है। तो इसमें क्या करना है आपको कि आपका पासवर्ड कम से कम 12 लेटर का होना चाहिए। 12 लेटर के होने के बाद उसमें नंबर होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए और जो सिंबल्स होते हैं, स्पेशल सिंबल जैसे @, #, ये सिंबल अगर आप इंक्लूड करते हैं तो उसका टफनेस जो होता है थोड़ा बढ़ता है। उसके बाद आपकी जो भी सोशल अकाउंट्स है उस पर आप 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है उसको ऑन कर सकते हैं। अगर आपका आईडी और पासवर्ड भी किसी को दे दिया जाता है, अगर आपका 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है तो उसके पास आपका आईडी पासवर्ड होने के बावजूद भी वो लॉगिन नहीं कर सकता। जैसे ही लॉगिन करेगा आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा, तो वो 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन से ही पड़ता है। कभी भी कोई साइबर कैफ़े में जाके अपनी ईमेल आईडी लॉगिन नहीं करनी चाहिए। कभी किसी दूसरे के फ़ोन सिस्टम कंप्यूटर कहीं भी अपनी ईमेल आईडी, कोई भी यूज़र आईडी कभी लॉगिन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पूरा ट्रेस होता है। दूसरी चीज़ जो ओपन वाईफाई होती है, जैसे रेल वायर, पब्लिक वाईफाई जो लोगों के लिए सुरक्षा के लिए होती है, उसमें भी कभी भी जाके आईडी पासवर्ड लॉगिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि उस केस में अगर कोई अटैकर बैठा है तो होता क्या है कि अगर आप फ़ोन से कुछ भी टाइप करते हैं तो आपके लिए तो एक एप्लीकेशन के में दिखता है कैसे होता है, लेकिन पीछे क्या होता है वो नेटवर्क पर काम करता है। जैसे आप लॉगिन करते हैं आईडी, तो वो आईडी जो आपका होता है वो एक नेटवर्क पैकेट होता है, वो पैकेट के थ्रू जाता है आपके वाईफाई पे और वाईफाई के थ्रू जाता है सर्वर पे जहाँ पे आपका फेसबुक हो गया, जीमेल, जो भी सर्वर यूज़ कर रहे हैं आप। तो वो जो पैकेट होता है आपका, वो जो भी तीसरा पर्सन, जो भी हैकर या कोई करके है या कोई उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जाता है तो उसका मिसयूज कर सकता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया अगर आपको आईडी वगैरह लॉगिन करती है तो खुद के अकाउंट, जैसे आप खुद का सेलुलर डेटा यूज़ कर सकते हैं या खुद के घर के वाईफाई वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक वाईफाई में नहीं रिकमेंडेड है। यह सावधानी बरतनी चाहिए। जी, यह सारी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। उसके बाद भी बहुत सारे पोस्ट ऐसे आते हैं, लिंक्स आते हैं, लिंक्स पर हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। कौन से कैसे लिंक होते हैं ये किसी को पता नहीं होती है। जो लिंक अगर आपको एक कोई मैसेज करता है और अगर लिंक आती है, लिंक पर क्लिक करते हैं तो फॉर एग्जांपल आपका जीमेल अकाउंट खुल गया, ठीक है, तो जीमेल अकाउंट में क्या होता है आपको आईडी और पासवर्ड पूछता है, आपको हूबहू एकदम वो जीमेल का ही पेज लगेगा। उसमें क्या होता है कि जैसे आप आईडी पासवर्ड डालते हैं वो जीमेल का होता नहीं है, लेकिन आपको बाद में जीमेल के पास वो ले जाता है। बीच में जो आपने आईडी पासवर्ड डाला वो उस सर्वर पर चला जाता है जिसने वो सेट किया होता है। तो उसको अगर हमें चेक करना है तो एक दो बार गलत आईडी पासवर्ड हम डालते हैं तो जीमेल का होता है तो वो बताता है कि गलत आईडी पासवर्ड है, लेकिन अगर वो फिशिंग पेज का होता है, आप गलत भी डालेंगे तो वो कंटिन्यू हो जाता है। अच्छा जी, तो ये होता है। उसके बाद ऊपर जो URL होता है उस पर हमें खास तरीके से ध्यान देना चाहिए। अगर आप कभी ध्यान दिए होंगे तो ऊपर जो URL होता है उसके बगल में एक लॉक का सिंबल बना होता है, वो लॉक होता है सर्टिफिकेशन सिंबल।
जो भी कंपनी होती है वो सर्टिफिकेशन लेती है डेटा इंक्रिप्शन का। जैसे आपका जो डेटा फ़ोन से जा रहा है सर्वर पे, वो इंक्रिप्ट होके जाता है, और जिसके पास वो लॉक सिंबल होता है वो, तो आपका डेटा इंक्रिप्टेड है। बीच में आपका कोई डेटा ले भी लिया तो वो इंक्रिप्टेड होता है, नहीं पहचान पाएगा किस लिए होता है। तो हमेशा कोई भी वेबसाइट विजिट करनी चाहिए, अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हमेशा वो देखना चाहिए कि लॉक लगा है आगे कि नहीं। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका क्या नाम है? मेरा साइबर सिक्योरिटी में चलता है, मैं इसी काउंसिल के थ्रू पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। तो उसके प्रोग्राम्स हैं जैसे CES सर्टिफाइड एथिकल हैकर, CHFI फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, फिर ECSA इसी काउंसिल सिक्योरिटी एनालिसिस कोर्स, तो CCNA नेटवर्किंग डेवलपमेंट के लिए, तो और पाइथन प्रोग्रामिंग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो ये सारी हमने की है। तो इसका आगे लाइक जाके बहुत बेनिफिट होता है, अगर कोई कंपनी में आपका रिज्यूमे भी जाता है तो आराम से आपको उनको, आज कल के जो मल्टीनेशनल कंपनी उसमें होता क्या है कि उनको इतनी भीड़ हो गई है कि उनको एक आदमी चाहिए जो मल्टी काम कर सके। जब आपका सिक्योरिटी के बारे में आपको इतना पता है तो आपके लिए आसान होता है वो। हालांकि इसी काउंसिल का कोर्स थोड़ा टफ होता है, एक एग्ज़ाम की फ़ीस 35,000 होती है फॉर्म का, तो उसमें थोड़ा टफ होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप सर्टिफिकेशन ही करें, अगर आपके पास स्किल्स है तो आप कर सकते हैं। और जो भी सारी आपकी कंपनी है, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ये जितनी भी सारी है, वो एक बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च करती हैं। बग बाउंटी में क्या होती है कि वो क्या करती है कि अपना जो प्रोग्राम है उनको बोलती हैं कि आपको अगर एथिकल हैकिंग या हैकिंग आती है तो आप क्या करिए कि हमारे जो भी प्रोग्राम है इसमें गलतियाँ ढूंढिए, ये क्या कमी है, कैसे हमारा प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है या हैक हो सकता है। तो अगर आप गलती ढूंढते हैं उसके हिसाब से वो देखते हैं कि ये लाइक मेजर कंसर्न है कि नहीं, अगर इम्पॉर्टेंट होता है तो उस हिसाब से आपको पेमेंट करते हैं, उसमें आपको 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख से एक बग निकालने पे भी मिलता है। तो बग बाउंटी में भी देखिए अच्छा, अपराध कम करने के लिए पहले हमारा CRPC था, IPC था, और विभिन्न क्राइम कंट्रोल के लिए समय समय पर नियम बनते रहे, अपराध के लिए धाराएं बनती गईं, अब साइबर क्राइम का क्षेत्र है। और साइबर क्राइम इतने बड़े बड़े अपराध इससे हो रहे हैं जिसके बारे में लोग कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हमने प्रद्युम्न के साथ वार्ता किया और हम सभी एहतियात के तौर पर इन सावधानियों को बरतें जिससे किसी अपराध के शिकार हम न हों। अच्छा लगा, धन्यवाद, शुभकामनाएं।